187 करोड़ 144 लोग, सबसे बड़ा बकाया 16 करोड़ का। ये हाल है वाणिज्य कर विभाग का। अब वसूली के लिए बैंक खाते होंगे अटैच। वाणिज्य कर विभाग सत्र समापन में एक्टिव मुद्रा में है। वह अपनी वसूली करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें, रीवा का वाणिज्य कर विभाग अपने 144 बड़े बकायादारों से अपने 187 करोड़ रुपए लेने के लिए वह सभी कार्य करने के लिए तैयार है, जिसको अपनाकर वह अपनी रकम प्राप्त कर सके। फिर इसके लिए उसे पार्टियों के बैंक खाते या फिर संपत्ति को ही क्यों ना अटैच करना पड़े। यहाँ यह जान लेना भी दिलचस्प होगा, विभाग की सबसे बड़ी वसूली की कार्यवाही सन 1314 में बंद हो गई। कंपनी जेपी सोया पर होनी है। उसका बकाया 11 से 13 तक का 16 करोड़ रुपए है। कंपनी ने 10% राशि जमा कर कोर्ट का सहारा लिया है। जिले में हमारे रिवर वृत्त में 187 करोड़ के बकाए हैं, जिसमें जो बड़े बकायेदार 140 लगभग हैं हमारे यहाँ, जो 186 करोड़ के जो बकायेदार हैं, जो बड़े बकायेदार हैं, इन पे कार्रवाई की हम उनके बैंक खाते अटैच कर रहे हैं। इनमें जो भी हमारे यहाँ बैंक खाते उन्होंने दिए हैं, या हमें जो पता है बैंकों से, हम पता करके उनके बैंक खाते, जिनके बकाए हैं बड़े बकायेदार, उनके हम बैंक खाते अटैच कर रहे हैं। हमने अपने इंस्पेक्टरों को और कराधान सहायकों को भेज के सभी के खाते अटैच करा रहे हैं, और उससे हम वसूल करेंगे। और सबसे बड़ी किस पर कार्रवाई, इसका कंपनी? अभी एक जेपी सोया फर्म है जो वर्ष 13-14 से बंद है। उस पर 2011 से 2013 तक में उसके 16 करोड़ का बकाया है, और उसने उन्होंने 10% जमा किया है 1.6 करोड़। और वो अपील में वो है, सेकंड अपील में एडिशनल कमिश्नर जबलपुर को उन्होंने अपील किया हुआ है। हम उन पर अभी उनकी भी बैंक खाता हमने अटैच किया है। नहीं जमा करते तो उस पर और क्या पैसे से नहीं जमा करते तो उन पर फिर उनकी चल अचल संपत्ति की कुछ की कार्रवाई की, उसकी भी जानकारी हमने अभी मंगाया है, मैं इंस्पेक्टरों को किया है उनके चल अचल संपत्ति की जानकारी के लिए। कब तक डेडलाइन है अगर कुछ ऐसा निश्चित है? उन्हें एक हफ्ता का समय दिया गया इंस्पेक्टरों को, जल्द से जल्द वो उनकी जानकारी जमा कर पता करके यहाँ प्रस्तुत करें।